नमस्कार, विराट 24 न्यूज की तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सतना शहर के बाजार क्षेत्र में नए साल के पहले ही दिन हुए एक हादसे ने लोगों को दहशत जदा कर दिया। चांदनी टॉकीज के पास एक होटल में एलपीजी सिलेंडर में हुए ब्लास्ट ने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया। गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हासिल जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली अंतर्गत बाजार क्षेत्र में स्थित चांदनी टॉकीज के पास एक होटल में रविवार की सुबह एक साथ दो एलपीजी सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई पड़ी और धमाके के साथ ऊंची उठे आग के गुब्बार को भी लोगों ने देखा। बाजार की घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुए धमाके ने लोगों में दहशत फैला दी। दुकान जल रही थी, लेकिन धमाकों के कारण कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दुकान के मालिक दुर्गा केशरवानी और सुनील केशरवानी बदहवास हालत में खड़े अपनी दुकान जलती देखने के लिए मजबूर थे। आनन फानन में सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम को दी गई। एक के बाद एक पहुंचे तीन दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने ही जला हुआ सामान दुकान से बाहर निकाला। नगर निगम के सहायक फायर सेफ्टी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि चांदनी टॉकीज के गेट के पास दुर्गा और सुनील केसरवानी समोसा, मुंगौड़ी, चाय और लस्सी की दुकान चलाते हैं। सुबह लगभग 11 बजे दोनों भाई दुकान में थे और अपना काम कर रहे थे, तभी एलपीजी सिलेंडर के पास से आग लगी। आग देखते ही देखते दोनों भाई समेत वहां रहे अन्य लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। कुछ ही सेकंड बाद एक के बाद एक दो धमाके हुए और आग के गुब्बार ने दुकान को घेर लिया। बताया जाता है कि दुकान में तीन सिलेंडर रखे थे, जिनमें से दो फट गए। हादसे में बिल्डिंग क्रैक हुई है और सामान जल कर खाक हो गया है। इत्तेफाक था कि रविवार होने के कारण बाजार में अधिकांश दुकानें भी बंद थी और सुबह का वक्त होने से भीड़ भी नहीं थी, वरना भगदड़ भी मच सकती थी।